एक आगे एक शब्द लिखा है जिसे कहते हैं भारतीय, और ये भारतीय की जो कल्पना है ये हमारे अखिल भारतीय परिवार पार्टी द्वारा की गई है। और बेसिकली ये की इसलिए गई है क्योंकि आज जो देश का विकास नहीं हो पा रहा है, वो देश का विकास सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम धर्म और जाति में बटे हुए हैं। जब हम अपने नाम के साथ जब भारतीय लगाते हैं तो हम सिर्फ भारत के वासी होते हैं। अब इसके अंदर हम क्या राजस्थानी हैं, हम क्या महाराष्ट्रियन हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। इसीलिए मैंने, क्योंकि मेरी विचारधारा यही है कि हम सब मिलकर देश के लिए काम करें। ये तो हुआ इंट्रोडक्शन मेरा। दूसरा इंट्रोडक्शन है कि आज हम किस उपलक्ष में यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले ये तो आपको पता ही है कि आज गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस क्या होता है सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसको लागू करने के लिए 2-3 महीने का समय लगा, और वो आज 26 जनवरी 1950 के दिन ये लागू हुआ, जिसके लिए हम इसे गणतंत्र दिवस कहते हैं। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र का मतलब होता है बहुत सारे राज्यों के साथ मिलकर एक सरकार का गठन करना और सारे राज्यों को साथ लेके चलना, इसको गणतंत्र कहते हैं। आज हम अपने संविधान का, क्योंकि संविधान लागू हुआ था इसलिए हम आज इसको गणतंत्र दिवस कहते हैं। लेकिन आज हमें 71 साल पूरे होने के बाद, और जब आज हम 72वें साल में हैं, तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने संविधान को कितना पाया है। हमारे संविधान में वो सब चीजें लिखी हैं जो आप सोच सकते हैं, जो आपके साथ घटित हो सकती है, जो आपके साथ घटित नहीं हो सकती है। जो हमारे देश के कानून हैं, वो कानून भी कॉमन सेंस के ऊपर बनाए गए हैं। अगर आप मन से सोचते हैं कि ये काम गलत है तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी कानून में उस काम को गलती नजर आ जाएगी और उसकी पेनल्टी भी आपको पता लग जाएगी। साथियों, आज अगर हम यहाँ पर वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे देश के अंदर पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़कर एक बड़ा व्यक्ति बनना जरूरी है, तो बड़े व्यक्ति बनने के लिए आपको खेलना भी जरूरी है। आज तक हम ये सुनते आए कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन आज की स्थिति में ये चीजें नहीं है। आज की स्थिति में अगर स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स से भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अपने आजीविका के बहुत सारे उपक्रम निकल कर आते हैं। हमें अपनी शिक्षा के साथ साथ अपने स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देना है, और अखिल भारतीय परिवार पार्टी देश के अंदर खेल संबंधी जितने भी कार्यक्रम है उसको और तेज करने की प्रक्रिया में है। अभी हमारी पार्टी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, और पहली बार जो हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी वो 2024 में लड़ेगी। लेकिन उससे पहले हम खेल, शिक्षा, रोजगार के अंदर बहुत सारा काम करना चाहते हैं, और आज हम आभारी हैं एनएस वॉलीबॉल क्लब की तरफ से, क्योंकि उन्होंने हमें ये मौका दिया और हमें यहाँ बुलाकर इतना प्यार और सम्मान दिया। हम आभारी हैं उन सब टीमों के जो टीम यहाँ पे टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आए हैं। हम आभारी हैं उन बच्चों के जो यहाँ पर आ जाके अपना बहुमूल्य समय देंगे और गणतंत्र दिवस की यादगार को एक बेहतरीन यादगार बनाएंगे। हम आभारी हैं एनएस क्लब के अध्यक्ष श्री पूरन सिंह जी के, हम आभारी हैं कोषाध्यक्ष श्री रजनीश धीमान जी के, हम आभारी हैं सह कोषाध्यक्ष श्री आनंद जी के, साथ में जो एनएस क्लब है उनके जो संस्थापक हैं, संस्थापक मेंबर जो हैं, जैसे सुनील झा जी हैं, उनके भी आभारी हैं, सुरेंद्र जी, जगदीश प्रजापति जी, डॉक्टर सिद्दीकी जी, अजय शर्मा जी, राकेश मित्तल जी, सतीश जी, मोहसी जी, ईश्वर दत्त जी, श्रीमती ललिता जी, और टीम के जो कोच हैं श्री मदन लाल जी, और सबसे बड़ी इस जो आयोजन की सबसे बड़ी एक खूबी है वो खूबी है डॉक्टर नित्यानंद सिंह जी जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट से। मैं उनका तहे दिल से आभारी इसलिए भी हूँ कि वो एक कानून की जानकारी रखते हुए वॉलीबॉल के नेशनल खिलाड़ी रह चुके हैं,
साथ में इस क्लब को इतना प्यार करते हैं। मैं नित्यानंद जी से सिर्फ एक चीज एक गुजारिश और करना चाहूंगा कि जैसा कि वो कानून को जानते हैं और उन्हें पता है कि हमारे संविधान में क्या संगत और क्या संगति है, तो मैं साथ में ये भी कहूंगा कि जब वो अपने स्पोर्ट्स अकेडमी में जब अपने वो प्रवचन देते हैं, अपने जब वो अनुभव शेयर करते हैं, तो कम से कम हमारे बच्चों को हमारे संविधान के बारे में भी पढ़ाए, जिससे कि वो संविधान संगत हो सके। संविधान हमारे देश का सबसे बड़ा एक रूपरेखा है जिसके हिसाब से हमें चलना है। अभी हमने संविधान का 10% भी अपने जीवन में नहीं लाए हैं। अगर हम उसका 100% लाएंगे तो इस देश में विकास ही विकास होगा, और ये विकास कहीं से बाहर से नहीं आएगा, ये विकास हमारे अंदर से आएगा। साथ में हम सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हैं श्री अनिल मुन्ना जी का। मैं चाहता हूं कि अनिल मुन्ना जी जरा सामने आए, जिससे कि उनका चेहरा फिर दोबारा देख सके। तो मैं सबसे ज्यादा आभारी हूं मुन्ना शाह जी का, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे बच्चे तैयार किए हैं। वो बच्चे जो आज वॉलीबॉल में नाम कमा रहे हैं, जैसा उन्होंने खुद बताया कि 200 बच्चों को वो सरकारी नौकरी दे चुके हैं सर्व स्पोर्ट्स खिलाकर। तो उन्होंने जो मैंने अभी बात कही उसको चरितार्थ किया है इन्होंने, कि पहले जो कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, तो उसको चरितार्थ करते हुए उन्होंने बदल दिया है और बदल में कहा है कि आप स्पोर्ट्स खेलते हुए भी आप नवाब बन सकते हैं। तो नवाब बनना हमारे बच्चों की अधिकार है, और बच्चों के अधिकार को मुन्ना जी जरूर दिलवा रहे हैं, और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि ऐसे ही देश के प्रत्येक बच्चे को वो ऐसे ही उनका अधिकार मिलना चाहिए। साथ में हम शुक्रगुजार हैं सिद्धांत जी के, शिव अंकित सुशील सुमित गौरव जोशी करण और इन सबके टीम लीडर श्री हनी जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम का बहुत अच्छे तरीके से आयोजन किया और इसको सुचारू रूप से चलाया। साथ में अब लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा और ये आशीर्वाद देना चाहूंगा एमएस क्लब को कि वो ऐसे ही हर साल, मैं कहता हूँ हर साल ही क्यों, जब उनका मन करे और जब वो ऐसी प्रतियोगिता को रखे, और मेरे को ही नहीं वो ऐसे बहुत सारे राजनेताओं को भी बुलाए जो अपने अपने विचार रखकर यहाँ पे एक क्रांति ला सके, क्योंकि आज देश को राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है, आज हमारे देश को राजनीतिक क्रांति की जरूरत है। ये समझना होगा हमें कि हमारे देश को चलाने के लिए लोकतंत्र की स्थापना है, ना कि प्रजातंत्र की, वरना ही किसी राजतंत्र की। आज हम राजतंत्र की तरफ लौटते जा रहे हैं, जिसे हमें रोकना होगा। समय ज्यादा न लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत।